स्वागत है मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए रेंज बाउंड कह सकते हैं आज आप क्योंकि आज इंडेक्स फ्रंट पर तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती हुई दिखाई पड़ी निफ्टी 18,240-250 के स्तरों बंद हुआ लेकिन हाँ लोअर लेवल से चीज़ 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 है। अच्छा 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 पुल बैक आप कह सकते हैं अठारह और एक तक के लोज बनाए थे लेकिन वहां से एक बढ़िया मूव मार्केट ने दिखाया और एडवांस क्लाइन के रेशियोज भी आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में वहां पर खरीदारी थी स्मॉल कैप में स्पेशली खरीदारी थी मिड कैप में नहीं स्मॉल कैप तो रिकॉर्ड स्तरों पर आज पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा बाइंग थी आज थोड़ी बहुत मेटल में बाइंग थी आज थोड़ी बहुत बैंक्स में लेकिन आईटी uh, में आज डी बाजी मार रहा था चार हजार की दहली से पहुँच गया उनतालीस सत्तर पचहत्तर लास्ट मैंने देखा था बढ़िया मूव वहाँ आता दिखाई पड़ा रियल स्टेट में आज थोड़ी बहुत बाइंग थी आज शुगर में थोड़ी बहुत बाइंग थी फर्टिलाइजर में थोड़ी बहुत बाइंग थी केमिकल में अच्छी बाइंग थी उसके अलावा आज सेलेक्टिव सीमेंट में खरीदारी थी तो बहुत अलग 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 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स जो कि आज रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट्स की उसको जानकार तो यही मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ बनी हुई है और वो छोटी टिकट के जो स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं उनमें ज़रूर खरीदारी का रुझान बना हुआ है वहाँ पर तेजी बनी हुई है इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर तो आज अट्ठारह हज़ार तक भी गया और वहीं पर बंद भी हुआ जहाँ पर अट्ठारह हज़ार तीन सौ मेजर वो जोन है जहाँ पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव है तो अगर वो पार करता है तो शायद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनेगी और वो शॉर्ट कवरिंग नए हाईस है, की तरफ मार्केट को ले जा सकती है तो आप उस लिहाज से मार्केट को देखें इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है बजट जैसी चीज़ आने वाली है अर्निंग शुरू हो गई है जिसमें दिग्गज कंपनी की अर्निंग अभी आनी है अल्ट्राटेक एच डी बैंक जैसे अर्निंग्स आने वाली हैं तो उनको आप ध्यान रखिए उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल ले सकते हैं चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं और ज्यादा ज्यादा सवाल लेने की कोशिश भी करते हैं अल्ट्राटेक दस शेयर पैंतालीस सौ पे आ, अरे बाप रे तो बहुत लंबी सूची है नीचे तक दीपक नाइट्राइट एस आर एफ टाटा एलेक्सी राजीव साहब ये सभी के सभी नाम सही हैं अल्ट्राटेक पैंतालीस सौ सात हजार रुपये चल रहा है आठ हजार रुपये चल रहा था अभी दीपक नाइट्राइट आठ सौ पच्चीस सौ छब्बीस सौ चल रहा है एस आर एफ हजार ये प्री एडजस्टमेंट ही लग रहा है पोस्ट एडजस्टमेंट तो और बारह सौ तेरह सौ दिख रहा है वो भी आ, टाटा एलेक्सी पच्चीस सौ मतलब इनमें से कोई भी ऐसा शेयर है नहीं जिनको आप बेचें अगर आपकी खरीदारी से नीचे मिले तो आप ले लें वो बात जरूर है आ, और सब वन ऑफ द बेस्ट है अल्ट्राटेक लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी दीपक नाइट्राइट केमिकल की जॉइंट एस केमिकल की अंदर जॉइंट और टाटा एलेक्सी भी टाटा ग्रुप की शानदार आई कंपनी तो आप इनमें से किसी को बेचिए मत बने रहिए तीनों में चारों में इसी तरह के और कुछ बढ़िया आइटम ढूंढ के अपने लिए और ऐड कर सकते हैं आप होता क्या कि जब आपके पास चार पोजिशन है उनमें कुछ नहीं हो रहा वो चल नहीं रहे या वो चले जा रहे हैं आपकी खर्दाई से बहुत ऊपर है तो बोरिंग सा फ़ील होता है उस केस में आप ये कर सकते हैं कि हाँ कोई नया शेयर ढूँढ लीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा और लगे कि हाँ इसमें वैल्यू है आप उसमें चले जाइए इनको आप छोड़ दीजिए तब तक के लिए जब ये वापस इंटरेस्टिंग जोन्स के अंदर ना आ जाए ओके okay, आ... एस बी आई में ब्रांच इन माई डिस्ट्रिक्ट एजेट स्पेस इन ब्रांच एस बी आई कार्ड एस बी सिक्योरिटी एस बी आई लाइफ एस बी एम सी टूगेदर टारगेटिंग मिडिल क्लास अनलिस्टिक आधार इन्फ्रास्ट्रक्चर मालिक साहब ये स्टोरी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप मान के चलिए देखिए बैंकिंग की स्टोरी में कोई दो राय नहीं है कि बैंकिंग तो इ्ज लाइक ब्लड वो अगर देश में कोई भी सेक्टर ग्रो करेगा जैसे बॉडी में कोई भी पार्ट हिस्सा ग्रो करता है तो ब्लड का तो रोल आना ही आना है तो ऐसी ब्लड बैंकिंग है हर जगह हर चीज़ में इस्तेमाल होगी कोई भी जगह पर लेकिन इसी का ही इम्पैक्ट दूसरी तरह से अभी आप समझ लीजिए कि अगर कहीं कोई सेक्टर में डिस्ट्रेस आया तो उसका इम्पैक्ट भी बैंक पे ही होगा मिसाल तौर पे एक्सपोर्टर्स छोटे एन बी इन पर कोई दिक्कत आई तो भी बैंक ही फंसेंगे इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो बैंक में तो दिक्कत आनी ही है रही बात एस की इंडिविजुअली देश का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी बैंक अगर आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की स्टोरी खेलना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई बैंक हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली तो आप उसको तो ध्यान रखेंगे ही इनकी सब्सिडरी में दो ही लिस्टेड है एस बी आई लाइफ और एस बी आई कार्ड्स इन दो को आप लिस्टेड में प्ले कर सकते हैं और नॉन लिस्टेड में आपको अगर प्ले करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको एस बी आई को ही प्ले करना पड़ेगा तो एंड ऑफ द डे एस बी आई इज द बेस्ट अमंग ऑल उसको क्योंकि पेरेंट है लेकिन आप इंडिविजुअल यूनिट्स पर भी खेल सकते हैं आपके सेक्टर एलोकेशन पर डिपेंड करता है और आपके इंडिविजुअल थाट्स पर डिपेंड करता है अच्छा जी आगे बढ़ते हैं रेणुका में क्या करें छत्तीस रुपये के दाम पर है शर्मा साहब पेशेंस टेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली ये स्टॉक बहुत आ, तो बेटर तो यही है कि आपको भी तेज़ी मिलेगी क्योंकि छत्तीस इसका रिसेंट हाई है छत्तीस बीस के आस शायद रिसेंट हाई है आप उसके आसपास आए तो एक बार को वापस कॉशियस व्यू रखिएगा यानी कि अगर उसके ऊपर निकलता है तो आप बने रहिएगा अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है तो आप एक बार को निकल भी सकते हैं देखिए दो तीन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं विलमर कंपनी के मालिक हैं अदानी नहीं विल्मर विलमर इस कंपनी के मालिक है मल्टीनेशनल स्पेस की जाइंट इस कंपनी के अंदर है फूड कंपनी जो है लेकिन अभी भी डेट बहुत है लॉस बहुत है इस क्वार्टर के नंबर से बहुत कुछ साफ होगा अगर सिचुएशन थोड़ी भी सुधरती है कुछ भी सुधर जाए डेट सुधर जाए नंबर में मुनाफा आ जाए या आंकड़ा ऐसा हो जो लगे कि ये वन ऑफ नहीं है तो एक बार को कॉल ली जा सकती है लेकिन अदरवाइज़ शुगर की स्टोरी वैसे तो साइकिलकली है इस बारी लंबी साइकिल चल गई है तो ठीक है चलने दीजिए आप स्पेस में बने रहना चाहते हो तो इसकी दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा इंडिविजुअल स्टॉक में धामपुर और रेणुका बलरामपुर तीन नाम ही ठीक है द्वारकेश भी ठीक है लेकिन दाम बहुत ऊपर है नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है टाटा पावर में भलदेव साहब आज ही किसी की किसी का एक सवाल आया था टाटा पावर के लिए उन्होंने तो तीन सौ के टारगेट्स दिए थे लेकिन इसमें वो नब खबरें चल रही हैं अब बस है बेसिकली बाज़ार में तो अभी तो आप अवॉइड ही करिए नीचे आने दीजिए वो 210 220 230 की रेंज में कहीं मिले तो बात अलग है वहाँ आप कॉल लीजिए ज्यादा बेटर है जब वो पीछे देर हो घूम रहा था वहाँ एक तक भी गया था लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट जाना ठीक नहीं है चलते हुए स्टॉक में क्यों एंटर करना क्यों रिस्क उठा रहे हैं थोड़ा नीचे मिल जाए ज्यादा बेटर है ओके okay, आगे बढ़ते हैं पोली कैब में क्या करें सिंह साहब तीन हजार रुपये के टारगेट्स कल मानस ने इसमें दिए थे आ, अगर आपके पास है तो मीडियम टर्म के लिए छोटी अवधि के लिए लंबी अवधि के लिए ऑब्वियस बात है इसको आप बेचिए नहीं अगर आपके पास है तो और नहीं है तो यहाँ मत खरीदिए नीचे आने दीजिए फिर लीजिएगा ऐसा नहीं होता कि बाजार में एक तरफा ही चाल रहेगी हमेशा और ऐसा भी नहीं होता कि जो ये हाल में गिरावट आई थी से आप करेक्शन मान लें वो भी नहीं बाजार में आ, मतलब मैंने शायद पाँच या चार लोअर सर्किट देखे हैं और एक अपर सर्किट जो इकलौता लगा वो भी देखा है तो आ, जितने लोअर सर्किट सब लगते थे तब भी बाजार पाँच परसेंट दस परसेंट तक भी टूटता है एक दिन में चार परसेंट भी इंडेक्स टूट चुका है आराम से टूटता है कोई बड़ी चीज नहीं है और आज के दाम से अगर वो चार परसेंट इंडेक्स टूटेगा तो अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं कहीं पर बहत्तर सौ पॉइंट निफ्टी नीचे होना चाहिए उसके लिए अट्ठारह सौ नहीं आ, माफ कीजिएगा करीब करीब आ, आप मान लीजिए ग्यारह बारह सौ पॉइंट के आसपास पास की निफ्टी एक गिरावट दिखा सकता है अगर इस तरह की गिरावट कभी आई तो आपको बढ़िया दाम मिलेंगे ऐसा नहीं ऐसे नहीं होगा होगा कभी ना कभी तो होगा ही क्योंकि बाज़ार एक तरफा कभी नहीं चलता स्टोरीज बाज़ार में अच्छी हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इंडिया ग्रोइंग ग्रोइंगनॉमी है हर चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन वो ग्रोथ एक बार में एक तरफा कभी नहीं होती झटके मार मार के आराम आराम चलती है और उसे मारना भी चाहिए हर स्टॉक एक बार ही नीचे का झटका दिखाए ज़्यादा बेटर है ताकि उसकी एक्चुअल जो डस्ट है वो सेटल होती रहे समय समय पर वो ज़्यादा बेटर रहेगा एनीवेज तो बातचीत ये हो रही थी कि आप ऐसे कोई झटके नीचे मिल जाए वहां उन्हें लीजिएगा आउटराइटली अभी इसलिए नहीं कि वो भागा जा रहा है हाथ से कल नीचे मिल जाएगा तब ले लीजिएगा कुछ दिन पहले ऐसे ही बहुत सारे नाम था ना आ जा गया ना वापस चार हजार रुपए घूम फिर के या एशियन पेंट पैंतीस सौ आ गया ना घूम फिर के झटके मार चुका है नीचे के तो फिर दोबारा मारेगा जुबलेंट फूड नीचे चल ही रहा है आजकल स्प्लिट भी आई गया ये ऐसी बोनस के टाइम पर भी इसने किया था तो धीरे धीरे ऐसे चलता है स्टॉक पे नहीं बिजनेस पे फोकस करिए ज्यादा बेटर है ओके आई पांच पचपन शेयर दो सौ पैंतालीस रुपए के दाम पे होल्डिंग फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर अगर आपका ये सवाल है तो आपको नंबर्स देखने चाहिए इसके शिवम साहब और उसके बाद कोई कॉल लेनी चाहिए ये बहुत महंगा बहुत भागा हुआ शेयर है वन टू बिजनेस बढ़िया है यूनिक है सब कुछ अच्छा है मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं तीन तरह के बिज़नेस हैं केटरिंग कारोबार में ट्रेवलिंग कारोबार में लार्जेस्ट पोर्टल है बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होते हैं बहुत बड़ा डेटा बेस मेनटेन करते हैं ये सब पॉजिटिव चीज़ें मैं सुनता ही आ रहा हूँ सालों से इसमें लेकिन एक ही चीज़ नेगेटिव एक सरकारी है तो ऊपर के लेवल पर ओ ना आ जाए ध्यान रखिएगा भारत जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर ना चला जाए जहाँ से टैक्स ला जाता है या कोई ओ के साथ साथ कोई एडजस्टमेंट्स ना आ जाए एक आ ही चुका है तो ऐसे कुछ और एडजस्टमेंट आते रहेंगे तो इक्विटी डाइल्यूट होती रहेगी धीरे धीरे करके और इक्विटी डाइल्यूशन इसकी इक्विटी को बड़ा कर देगी और स्टॉक को उन्हीं जगहों पर खड़ा कर देगी जहाँ वो खड़ा है इस तरह की चीजें ना हो तो तो ठीक है वरना आप बने रहिए बढ़िया है और नंबर्स uh, को क्रूशली करिएगा कैसे रहते हैं जागरण प्रकाशन एंड डी मार्ट अमन साहब जागरण प्रकाशन बहत्तर तिहत्तर के जोन से में मिले आप खरीदारी कर सकते हैं लेकिन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म नहीं और डी मार्ट को भी थोड़ा थोड़ा एक्यूमरेट किया जा सकता है मान लीजिए सौ शेयर अगर आप लेना चाहते तो दो

एम एंड एम फिनेंस शारिक साहब अभी किसी ने जानकार ने इसमें बाय की रिकॉल दी थी दो चार दिन पहले ही मीडियम टर्म में तो तेज़ी बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी ट्रिगर आने वाला ना बजट का एग्री की फंडिंग का एग्री स्पेस के एक्सपेंशन का क्योंकि इसका मेजर काम काज जो है वो एग्री साइड पे या टीयर थ्री टीयर फोर सिटीज़ में होता है तो वहाँ से हिसाब से क्या आउटकम बनता है वो पार्ट कुशल रहेगा लेकिन फिर भी मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक आप इसे देख सकते हैं ओके okay. एशियन पेंट्स फ्रेश एंट्री घोषाल साहब इसी प्लेटफॉर्म पे ही सत्ताईस सौ रुपये में मैंने खूब बोला था एशियन पेंट ले लीजिए एशियन पेंट ले लीजिए बढ़िया एशियन पेंट ले लीजिए एशियन पेंट ले लीजिए तब तो आपने लिया नहीं आज पैंतीस सौ रुपये पे आप फ्रेश एंट्री पूछ रहे हैं तो मैं कैसे बोलूँ ले लेने के लिए हाँ आपको ये लगेगा कि ये भाग गया कोई बात नहीं आगे भागेगा फेर न मानता हूँ इस बात को तो बेटर ये है कि पैतीस सौ पे अपने पूरे पोर्टफोलियो के दो शेयर ले लीजिए या एक परसेंट पाँच परसेंट दस परसेंट लुकेट यहाँ कर दीजिए धीरे धीरे नीचे आता जाए और लेते रहिए क्या दिक्कत है मतलब आप इतना मान के चलिए कोई भी स्टॉक ख़रीद रहे हैं अगर अच्छी क्वालिटी का क्वालिटी का और वो किसी फाइंडे पचास परसेंट भी नीचे आ जाए तो आप घबराए नहीं एटलीस्ट वो आप और लें उस तरह की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए तब आप आराम आराम से एंटर करें ऐसे बहुत सारे नाम बहुत समय पर ऐसी गिरावट दिखा चुके हैं अट्ठारह सौ का जुबलेंट फूड मैंने एक दिन में सात सौ भी देखा है आते हुए गिरावट के बाद नेस्ले जैसे शेयर भी आठ हज़ार टूट के चवालिस आ गया था एक बार में तो ऐसे बहुत झटके आते रहते हैं बाज़ार में तो उन झटकों का इस्तेमाल करिए और उसके बाद की स्टोरी आप देख ही रहे वो चौदह सौ का जुबलेंट फूड आज पाँच हजार रुपये चार हज़ार रुपये घूम रहा है नेस्ले चौदह अठारह हजार घूम रहा है बॉश जैसा शेयर आठ हजार गया अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताया जाए जहां पर अट्ठाईस हज़ार रुपए में खुद प्रमोटर ने बायक किया था यूनाइटेड स्पेट्स लिकर बैन के दिन सत्रह सौ आ गया था वही यूनाइटेड स्पेट्स बयालीस सौ गया और स्प्लिट हुआ और आज, आज आपके सामने हजार रुपए तो लाइक वाइज स्टोरी चलती है ऐसे ही कोई बुरा दौर ढूंढिए और उसमें आराम से अच्छे शेयरों को ऐड एड करिएके बजट रैली स्टॉक्स शिवम साहब आपका बजट जितना ही भी हो है तो सॉरी मैं बाजार को ट्रैक उतने हिसाब से नहीं करता बजट की रैली एक ट्रिगर होती है और बजट हर साल आता है भूलिए नहीं हर साल सरकारें बदलती हैं दो दो चार चार सालों में और बजट भी बदल जाते हैं तो आपको वो शेयर ढूंढने जो बजट फ्री हो बजट प्रोन हो मतलब जिनको बजट से कोई लेना देना ना हो उनको पकड़िए वो ज़्यादा सेफ है आपके लिए इंस्टेड ऑफ बजट वाले स्टॉक के बजट वाले मोमेंटम है और आप मोमेंटम में किस हिस्से में फंसेंगे वो आपको भी नहीं पता तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा यहाँ पे ओके लास्टली सीक्वेंट साइंटिफिक वैद्य साहब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि सिक्वेंट में इतनी उम्मीद थी नहीं किसी को गिरने की ये लग रहा था कि सीकवेंट की ब्लॉक हो जाएगी उसके बाद ये शेयर घूम जाएगा ब्लॉक भी हुई शेयर घूमा भी कुछ टाइम के लिए लेकिन वापस वहीं का वहीं आ गया सड़क के नीचे

एक तरफा तेजी आती है फिर एक तरफा बिकवाली आती है आप ध्यान संभाल कर इसमें ट्रेड करिएगा ये मैं जरूर कह सकता हूँ एच डी एफ सी एम सी होल्डिंग क्योंकि वो चल रहे हैं अग्रवाल साहब इसलिए इंडिया सीमेंट और ये क्या नाम है दूसरा आपने जो लिया अभी वो डी एशियन पेंट ये चल रहे हैं इसलिए आप इसमें, इसमें, इसमें स्विच करना चाहते हैं एच डी एफ सी एम सी ये कारोबार में कोई फ्लॉ है तो आप ज़रूरी ये काम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप एटलीस्ट समय तो दीजिए ए कारोबार है बाजार ऊपर है थोड़ा ग्रोथ तो आएगा ही कभी ना कभी और एच डी एफ सी ग्रुप तो वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सिचुएशन ख़राब है इस वजह से इसमें निकलना ठीक है कुछ समय पहले इस ही सिचुएशन वाले स्टॉक बताया था तो आपको टाटा कॉम था एक हीरो मोटोकॉप था एक आ, ए, आ, अमाराजा बैटरी था एक एशियन पेंट्स भी था एक पी डी लाइट था ऐसे बहुत सारे नाम गिनाते चला जाऊंगा पूरे आधे घंटे तक जो नीचे 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 गए और वापस ऊपर 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 आ जाएंगे मारुति भी था उनमें से एक खैर तो समय दीजिए एक साल आपने दिया है एच डी को एक साल आप समय तो देखे देखिए इसकी इक्विटी साइज तो देखिए कितनी छोटी है थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं अगर अच्छा तो आप एटलीस्ट इसके नंबर्स को ट्रैक करिए इसके इक्विटी साइज को देखिए ग्रुप को देखिए और फिर कॉल लीजिए ज्यादा बेटर नहीं है मैं यही नहीं कह रहा हूँ बाकी तीन भी खराब है वो भी बढ़िया है लेकिन नया पैसा उसमें डालिए ना सेविंग भी हो जाएगी लगे अच्छा जी एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट फॉर वन ईयर सर कंपनी ठीक है कंपनी में बुराई नहीं है एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट में एक ही फ्लॉ है कि ये आमतौर पर बजट और मोमेंटम भी चलता है और मोमेंटम चार्ट पैटर्न अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट एंड ऑल पर ये शेयर मूव देता है ये और इनफैक्ट वो फर्दाबादी कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन दोनों तो इ, इसके हिसाब से आप देखिए ऑर्डर बुक ठीक है सरकारी ऑर्डर्स में काम काज करते हैं इनकी मैनेजमेंट से मैं कई बार मिला मिलाऊँ लेकिन बेटर यही है कि आप इसे मीडियम टर्म के लिए रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा मीडियम टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं नीचे में आप भी कर सकते हैं लेकिन मीडियम टर्म के लिए ओके okay, आगे बढ़ते हैं टीसीएस और इनफी एट सी एम पी ऑलवेज टीसीएस अभी के लिए तृप्ति तो जी बहुत ही बढ़िया ट्रिगर मैनेजमेंट ने खुद आपको अपने हाथ में दे दिया है अभी भी आप सोच रही हैं पैंतालीस सौ रुपए में कंपनी का मैनेजमेंट खुद बाय करने को तैयार है कुछ भी रीजन हो उनके पास पैसे यूज़ करने के लिए जगह नहीं है उनको कोई एक्विजिशन नहीं समझ में आ रहा उनको कंसोलिडेट करना अपनी इक्विटी को कुछ भी करना हो लेकिन वो पैंतालीस सौ रुपए की फेयर वैल्यू उन्होंने ही दी है तो उनके हिसाब से पैंतालीस सौ शेयर की फेयर वैल्यू है तभी वो बाय कर रहे हैं जब वो पैंतालीस सौ बाय कर सकते हैं तो आपको और हम लोगों जैसे लोगों को दिक्कत क्या है लेने में पैंतालीस सौ अभी तो उनतालीस सौ अड़तालीस सौ में मिल रहा है अड़तालीस अड़तीसौ रुपये में लेकर अगर आप पैंतालीस में देंगे तो भी आपको छह सौ पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है बाय बैक पर आप टेंडर नहीं भी करेंगे अगर मैनेजमेंट पैंतालीस सौ रुपये बाय कर रहा है तो उनको ये तो दिख रहा होगा कि आगे चल के पैंतालीस सौ से कहीं ज़्यादा वैल्यू होगी तो आप उस तरह से शेयर को आइडेंटिफाई करिए टी सी एस जैसी देश की सबसे बड़ी आई टी कंपनी है उसको छोड़कर आप इन्फोसिस भी बुरी नहीं है लेकिन भागा कितना है ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा है टीसीएस सस्ता मिल रहा है उसको देख लीजिए ज़्यादा बेटर है कभी इनफोस नीचे आएगा तो उसको तलाश लीजिएगा चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूँगा माफ़ी बहुत सारे लोगों से क्योंकि आज जवाब लंबे लंबे हो गए भावनाओं में बह गए बेसिकली लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए मंडे को आपसे मुलाकात होगी सोमवार को दो दिन आराम से आप सेफ़ रहें घर पर रहें लॉकडाउन भी लगे हुए हैं हर तरफ कर्फ्यू भी चली रहे तो ध्यान संभल आपको घर पर रहना होगा और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऐट द रेट सुमित्र रिसर्च वगैरह ट्विटर हैंडल है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत ही नोटिसेबल देखने को मिल रही है सिंगल डिजिट के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में टेलीग्राम ग्रुप्स में रिकमेंडेशन में चल रहे हैं ये सिंगल ग्रुप सिंगल डिजिट के स्टॉक सिंगल डिजिट में पहुँचे क्यों हैं एक बार ही वो पढ़ने के बाद आप उसमें पैसा डालिएगा बत्तीस सौ चौंतीस सौ रुपये के शेयर दो दो रुपये तीन तीन रुपये मैंने देखे हैं एक एक दिन में उनको आधा आधा होते दिखाया इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान संभल कर आप उनमें ट्रेड करिएगा पैसा बचाइए तभी आगे पैसा आपको बचाएगा इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा इस नोट के साथ नमस्कार